ऑल माई डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने वो प्रीवियस लेक्चर मेरा देखा ही देगा, उसमें हमने टू पार्ट किया था, पार्ट वन पार्ट टू। अपना चैप्टर नंबर वन चल रहा है कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। तो आज हम करेंगे उसका सेकेंड एक्सरसाइज, उसमें टोटल टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.1 हमने किया है, अभी 1.2 की बारी आई, तो चलो हम एक्सरसाइज 1.2 आज स्टार्ट करते हैं। बेसिकली तीन फार्मूला है, अगर आपको तीन से चार फार्मूला इसका करोगे तो ईजिली आपका ये चैप्टर पे कमांड रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला है सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, बराबर। एस डब्ल्यू सम ड्यू, मतलब सम ड्यू, एस डब्ल्यू का मतलब होता है सम ड्यू, इज इक्वल टू पी डब्ल्यू, मतलब प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू प्लस ट्रू डिस्काउंट, बराबर। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया। और सेकेंड है ट्रू डिस्काउंट कैसे फाइन करते हैं। ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाई बाई एन आर अपॉन 100, बराबर। तो अरे नॉर्मली आप किसी के पास से पैसा लोगे, बराबर, तो पहले सम ड्यू मतलब आपको कितना पैसा चुकाना पड़ेगा, प्रेजेंट वर्थ मतलब जितना पैसा लिया उतना, प्लस साथ में क्या पे करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट पे करना है। बस उसी तरीके से ये फॉर्मूला है आपका, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, बराबर। अभी नॉर्मली एन का मतलब क्या होता है, पीरियड ऑफ द बिल इन अ ईयर। क्या है, पीरियड ऑफ द बिल इन अ ईयर, हमें किस में चाहिए, ईयर में चाहिए। अगर मंथ में दिया रहेगा तो हमें किस में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईयर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। आर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बराबर, पर एनम, वो तो नॉर्मली पता ही। आर एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पीरियड, बराबर। इन किस में चाहिए, हमें ईयर में चाहिए। और आर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ, हमें क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट वर्थ फाइंड करना है। सम प्रेजेंट वर्थ ऑफ सम ऑफ रुपीस कितना दिया है, 10,920। ये क्या दिया है हमें, सम ड्यू दिया गया है। ड्यू कितने महीने के लिए दिया है, 6 मंथ के लिए दिया है। हियर द आर 8% पर एनम इज अ सिंपल इंटरेस्ट, बराबर। ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखो गिवन लिख देता हूँ, गिवन सम ड्यू कितना दिया है, हमें बोला ही है व्हाट इज अ प्रेजेंट वर्थ, हमें क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट वर्थ क्या करना है, हमें फाइंड करना है। सम ड्यू कितना दिया है, 10,920। एन कितना दिया है, 6 मंथ। आर कितना दिया है, 8%। एन मतलब मैंने बताया था ये जो नंबर है हमें किस में चाहिए, ईयर में चाहिए। एन मतलब 6 अपॉन कितना लिख दूँ, 12। क्यों, 12 में से कितना महीना है, 6 महीना, तो इसके लिए लिख दूँ 6 1 6 6 2 कितना होता है, 12। तो 1 अपॉन कितना आया, 2। ये किस में आया आंसर, ईयर में, हमें किस में चाहिए, ईयर में। और आर कितना आया, 8%। और मैंने बताया था आपको दो फॉर्मूला याद रहने चाहिए, सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस क्या रहना चाहिए, ट्रू डिस्काउंट। और ट्रू डिस्काउंट कैसे मिलेगा, प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100। तो देखो हमें क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट वर्थ तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है, बराबर। ट्रू डिस्काउंट हमें ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर ट्रू डिस्काउंट, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख दूँ यहाँ पर, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाई बाय एन आर अपॉन कितना लिख दूँ, 100। तो यहाँ पर ट्रू डिस्काउंट प्रेजेंट वर्थ दिया है, नहीं दिया है, तो यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं, प्रेजेंट वर्थ लिख दूँ। एन कितना आया अपना, 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 लिख दूँ। आर कितना दिया है, 8 अपॉन कितना लिख दूँ, 100। सिंपल है ये, ट्रू डिस्काउंट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर ट्रू डिस्काउंट, तो ये पी डब्ल्यू प्रेजेंट वर्थ 1 अपॉन कितना चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 100। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर, ये क्या आ गया अपना, आ गया। अभी देखो ये 80 होगा और इसको चाहे तो तुम कैंसिल कर सकते हो, 4 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 4 जा कितना होता है, 8, और 4 25 कितना होता है, 100। तो यहाँ पर ट्रू डिस्काउंट अपना कितना आया, प्रेजेंट वर्थ अपॉन 25। सिंपल है, ट्रू डिस्काउंट मिला। अभी क्या फाइंड करना है हमें, सम ड्यू फाइंड करना है। तो सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, बराबर। तो सम ड्यू कितना दिया है यहाँ पर, देखो हमें ऑलरेडी सम ने दिया ही गया है, सम ड्यू कितना दिया है, 10,920 इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ। प्रेजेंट वर्थ कितना आया अपना, दिया ही नहीं गया, तो यहाँ पर प्रेजेंट वर्थ लिख दो प्लस ट्रू डिस्काउंट। ये हमने ऑलरेडी फाइंड किया, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या आया, प्रेजेंट वर्थ अपॉन 25, बराबर। अभी देखो इसके अपने अपॉन में कुछ नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेस क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो बेस सेम करना है, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो क्या लिखूँ, 1। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 बार ऊपर एक बार नीचे। तो यहाँ पर 10,920
920 इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्क, तो यहाँ पर कितना आएगा 25 PW अपॉन कितना लिख दूँ मैं 25, यहाँ पर भी आएगा प्रेजेंट वर्क अपॉन कितना आ जाएगा 25। तो देखो ये 25 मैं क्या लिख दूँ कॉमन, 25 प्रेजेंट वर्क प्लस प्रेजेंट वर्क यहाँ पर क्या आ गया 25 और ये कितना आया 920। अभी देखो आप करने जाओगे इसको इसके साथ क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 10,000 920 मल्टीप्लाई बाई 25 बराबर, और ये देखो 25 प्लस इसके आगे कुछ नहीं दिया तो कितना आया 1, तो कितना हो गया 26 प्रेजेंट वर्क। अभी ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 920 मल्टीप्लाई बाई 25 अपॉन 26 और मैंने ऑलरेडी ये किया ही है तो आंसर आएगा अपना 10,500, आंसर आएगा अपना 10,500। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर प्रेजेंट वर्थ इज रुपीज 10,500। बस एकदम सिंपल ही है, बस आपको करना क्या है खाली एक फार्मूला, आप दो फार्मूला आपको याद रहेगा ये दोनों फार्मूला, तो आप ऑटोमेटिकली कोई भी सम है आप इजीली कर सकते हो। नंबर टू क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज अ सम ड्यू, हमें क्या फाइंड करना है, सम ड्यू फाइंड करना है, बोला ही क्या है व्हाट इज अ सम ड्यू, हमें सम ड्यू क्या करना है फाइंड करना है ऑफ रुपीज 8,000, तो 8,000 क्या रहेगा अपना प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू फाइंड करना है तो ये क्या रहेगा अपना प्रेजेंट वर्थ रहेगा, ड्यू फ्रॉम कितने महीने के लिए 4 महीने 4 मंथ, हिंस फॉर कितना दिया है 12.5%, ये क्या दिया है आर दे दिया है, एन कितना दिया है 4 मंथ, सिंपल इंटरेस्ट। तो बस सबसे पहले आपको गिवन लिख देना, मैं ऑलरेडी लिख के इसके लिए रखता हूँ कि अपना टाइम वेस्ट ना हो बराबर, तो गिवन इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ कितना दिया है 8,000, एन कितना दिया है 4 मंथ, तो मैंने बताया था हमें किस में करना है ईयर में करना है, तो ईयर में करना है तो 4 अपॉन कितना लिख दूँ 12, 4 1 4 4 3 12, तो कितना आया 1/3 क्या आ गया ये ईयर आ गया अपना, और आर कितना दिया है 12.5%। तो सम ड्यू का फॉर्मूला आपको पता ही है, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, तो ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ एन आर अपॉन 100, तो मैं सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला लिख दूँ ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100, तो यहाँ पर प्रेजेंट वर्थ कितना दिया है 8,000 और यहाँ पर एन कितना आया 1/3, आर कितना दिया है 12.5% अपॉन में कितना आ जाएगा 100। देखो पहले यहाँ पर देखो ये 12 पॉइंट, अगर इसको पॉइंट को निकालना है तो मैं नीचे कितना एक और जीरो क्या कर दूँ ऐड कर दूँ, तो ये 8,000 का ऐसे ही रहेगा 1 बराबर, ये 3 नीचे आ गया 100 का वैसे ही रहेगा, और मैंने बताया ये 125 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पर 10, एक और जीरो क्या कर दूँ नीचे ऐड कर दूँ, अगर आप स्मार्ट हो तो देखो 1 2 3 1 2 3 जीरो क्या हो गया कैंसल हो गया, अगर आप इसको अगर सॉल्व करोगे आगे तो अपना ट्रू डिस्काउंट आएगा 33.33, ये अपना क्या होगा आंसर आएगा। अभी फाइंड क्या करना है हमें सम ड्यू, तो सम ड्यू का फॉर्मूला यहाँ पर पता ही आप लोग को कैसे फाइंड करना है, सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, तो प्रेजेंट वर्थ कितना दिया है 8,000 और ट्रू डिस्काउंट अपना कितना आया 33.33, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो अपना आ गया कितना आ गया 8,333.33 और आगे क्या लिख देना रुपीस, तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना पड़ेगा देयरफॉर सम ड्यू इज रुपीस 8,033.33 हो गया। हम क्या बोल रहे हैं ट्रू डिस्काउंट ऑन सम ड्यू, क्या फाइंड ट्रू डिस्काउंट, मतलब ऑलरेडी सम ने दिया है ट्रू डिस्काउंट, ऐसा बोला नहीं गया है व्हाट इज अ ट्रू डिस्काउंट, बोला गया है ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम ड्यू कितना है 8 मंथ, मतलब एन कितना दिया है 8 मंथ, ईयर एट 12% पर एनम, मतलब 12% अपना आर आ गया रुपीज़ 560 क्या दिया है हमें ट्रू डिस्काउंट दिया गया है। फाइंड सम ड्यू एंड प्रेजेंट वर्थ ऑफ बिल, क्या फाइंड करना है सम ड्यू फाइंड करना है और प्रेजेंट वर्थ ऑफ बिल क्या करना है हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर गिवन लिख ही दिया है ट्रू डिस्काउंट कितना दिया है 560 मैंने लिख दिया है यहाँ पर, एन कितना दिया है हमें 8 मंथ, तो मैंने बताया था 8 मंथ, तो 8 अपॉन कितना लिख दूँ मैं यहाँ पर 12 लिख दूँ तो आपको पता रहना चाहिए 4 2 8 4 3 कितना आ गया 12, तो यहाँ पर 4/3 क्या आ गया ईयर आ गया, आर कितना दिया है 12
और आपको सबसे पहले ये दोनों फार्मूला मैंने बताया था याद रहने ही चाहिए। तो सबसे पहले ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाई बाय एन आर अपॉन क्या आ गया 100, और ट्रू डिस्काउंट दिया ही है, कितना दिया है 560। प्रेजेंट वर्थ तो हमें क्या करना है, फाइन करना है, एन कितना है अपना 4, आर कितना है 12, और 4 अपॉन कितना है यहाँ पर 4/3, और आर कितना आ गया यहाँ पर 100। तो ये नीचे चला जाएगा, तो 560 इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाई बाय 4/12 अपॉन कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपको पता रहना चाहिए 3 1 3 3 4 कितना हो गया 12, और 4 25 कितना हो गया 100। इसके आगे कैंसलेशन नहीं होगा। तो देखो ये 560 इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ कितना आया मल्टीप्लाई बाय 4/25। तो इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो ये जो 25 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, देखो ये 560 मल्टीप्लाई बाय 25 बराबर इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाई बाय 4। ये मल्टीप्लाई इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू 560 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 4। अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 7000 बराबर। तो देयरफॉर प्रेजेंट वर्थ इज ₹7000। अभी फाइन क्या करना है, हमें सम ड्यू फाइन करना है। तो आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। तो प्रेजेंट वर्थ कितना है अपना 7000 प्लस ये ट्रू डिस्काउंट कितना है 560। तो यहाँ पर आ गया सम ड्यू इज इक्वल टू 7000 560। तो देयरफॉर सम ड्यू इज ₹7000 560 आ गया। बस खाली एकदम सिंपल है, आपको खाली दो फॉर्मूला क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, द ट्रू डिस्काउंट ऑन सम ड्यू इज 3/8 ऑफ सम ड्यू। द ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम इज 3/8 ऑफ अ सम ड्यू, मतलब ट्रू डिस्काउंट कितना है 3/8 किसका है, सम ड्यू का, और कितना है 8 12% पर एनम। एन हमें क्या करना है, फाइन करना है। तो यहाँ पर देखो ना, अगर आप लिखना है गिवन, क्या बोल रहे, ट्रू डिस्काउंट कितना है, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू 3/8 किसका है, ये सम ड्यू का बराबर। तो सम ड्यू का कितना है 8 3/8। तो आपको पता ही रहेगा सम ड्यू का, मैंने अगर नहीं पता रहेगा तो सम ड्यू का फॉर्मूला पता ही रहना चाहिए, प्रेजेंट वर्थ प्लस क्या रहना चाहिए, ट्रू डिस्काउंट। तो ये क्या लिख दूँ यहाँ पर मैं ब्रैकेट में, तो यहाँ पर देखो इस फॉर्मूला में मैं पुट कर दूँ 3/8, और ये फॉर्मूला पता ही है क्या रहना चाहिए, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। तो देखो ये इसका मल्टीप्लाई में, अगर ये इसको मैं इस तरफ लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा, उल्टा। अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो वापस जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा। समझ, आप इस तरीके से समझो, ये 8 यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको उल्टा लिख दूँ, 8/3 इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट, और ये प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। तो देखो ये ट्रू डिस्काउंट यहाँ पर क्या है, प्लस में, तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, 8/3 ट्रू डिस्काउंट माइनस क्या रहेगा, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ। अभी देखो इसके अपॉन में तुम बोलोगे सर माइनस ऐसे नहीं होता, अरे इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 3 से। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में 1, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो 3 से एक बार ऊपर भी मल्टीप्लाई, एक बार नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या आएगा, 8/3। ये तो सेम है, वैसा का वैसा रहेगा, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 ट्रू डिस्काउंट अपॉन कितना रहेगा, 3 3 क्या हो गया, कॉमन, और ये अपना प्रेजेंट वर्थ आ गया। तो 3 3 को कॉमन ले लोगे तो 8 - 3 करोगे तो कितना आएगा, 5 ट्रू डिस्काउंट बराबर, और ये 3 का 3 कॉमन, और यहाँ पर क्या आ गया, प्रेजेंट वर्थ आ गया। अभी देखो ये आ गया, तो देयरफॉर अपना आप लिख सकते हो नीचे, देयरफॉर प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू 5/3 क्या रहेगा, ट्रू डिस्काउंट क्या रहेगा। अभी फाइन क्या करना है हमें, ट्रू डिस्काउंट, तो हमें ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन कितना आ गया 100। एन हमें देखो, तुम बोलोगे सर आपने ये फॉर्मूला क्यों, ऑलरेडी सम ड्यू का फॉर्मूला यहाँ पर आ गया, तो बचा किसका,
ट्रू डिस्काउंट का। तो ट्रू डिस्काउंट तो हमें क्या मिलना चाहिए, ट्रू डिस्काउंट इजिकल टू, देखो यहाँ पर प्रेजेंट वर्थ का यहाँ पर आया था, आपको पता रहेगा कि प्रेजेंट वर्थ इजिकल टू 5/3 किसका है, ट्रू डिस्काउंट। और एन तो हमें फाइन करना है, आर कितना दिया है, आर यहाँ पर दिया था हमें 12 और अपॉन में कितना आ जाएगा 100। तो ये ट्रू डिस्काउंट इजिकल टू 5, ये नीचे 5 ट्रू डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर, और ये कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 100। अभी देखो ये 100 3 जा 300 ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरफ लेके चलूँ तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा 300 ट्रू डिस्काउंट बराबर। और देखो ये एन और आर, आर सॉरी यहाँ पर लिखना मैं भूल गया था, आर इजिकल टू आएगा 12, 5 12 सा कितना होता है 60 आ गया ट्रू डिस्काउंट बराबर, और मल्टीप्लाई बाय एन का जैसे का वैसे। अभी देखो एन फाइंड करना है तो देयर फॉर यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो ये जो मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, एन इजिकल टू 300 ट्रू डिस्काउंट इजिकल टू क्या रहेगा ये 60 ट्रू डिस्काउंट बराबर। ये एक जीरो गया, ये ट्रू डिस्काउंट चला गया, 6 5 कितना होता है 30, तो देयर फॉर आर कितना आया 5, तो देयर फॉर नंबर ऑफ ईयर्स लिखो या तो पीरियड ऑफ बिल लिखो तो भी चलेगा, पीरियड ऑफ द बिल इज 5 ईयर्स, यहाँ पर भी लिख देना 5 ईयर्स, हो गया एकदम सिंपल है। बस आपको बस आप खाली बस इसका प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। और मैंने बताया था 2 फॉर्मूला आपको क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, तो डेफिनेटली आप कोई भी सम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, 20 copies ऑफ द बुक्स कैन बी परचेज फॉर अ सर्टन सम पेबल, 20 copies ऑफ द बुक कैन बी परचेज फॉर अ सर्टन सम पेबल एट द एंड ऑफ 6 मंथ, मतलब 20 copy हम क्या कर रहे हैं परचेज कर रहे हैं, पर पैसा कभी देंगे हम 6 महीने बाद पे करेंगे। एंड 21 copy फॉर द सेम सम इज रेडी फॉर कैश, मतलब क्या बोल रहे हैं 20 copy हम उधारी पे खरीदेंगे तो पैसा कभी पे करना पड़ेगा 6 महीने बाद, पर अगर तुरंत पैसा पे करेंगे तो कितना उसकी कंपैरिजन उतने ही पैसे में कितनी कॉपी आ सकती है, 21 copy इज अ सेम बराबर सम इज रेडी फॉर कैश, मतलब 20 copy उधारी पे खरीदो और इज इक्वल टू 21 copy जो आप कैश पे खरीदोगे, दोनों क्या रहेगा सेम ही रहेगा, नहीं समझा। अगर 20 copy अगर तुम उधारी पे खरीदोगे तो भी उतना ही पैसा पे करना पड़ेगा, और 21 copy अगर तुम कैश पे कर रहे हो तो उतना ही पैसा पे करना पड़ेगा, मतलब 21 copy उधारी की इज इक्वल टू 21 copy कैश की बराबर, इज रेडी फॉर कैश। फाइन क्या करना है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइन करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ लेट प्राइस ऑफ वन बुक बी एक्स बराबर, प्राइस ऑफ वन बुक्स कितना है एक्स बराबर, तो यहाँ पर देखो प्राइस ऑफ एक बुक का क्या है एक्स, देयरफॉर सम ड्यू इज इक्वल टू क्या है प्रेजेंट वर्थ प्लस क्या रहेगा ट्रू डिस्काउंट, तो आपको ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला पता ही है, प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100 बराबर। आर हमें क्या करना है फाइंड करना है, तो देयरफॉर यहाँ पर सम ड्यू लिख दूँ, तो देयरफॉर सम ड्यू प्रेजेंट वर्क कितना दिया है 20x बराबर, ये ब्रैकेट में लिख दूँ यहाँ पर 20x यहाँ पर आ गया, एन कितना दिया है 1/2, तो डायरेक्ट ही लिख दूँ यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 100, और आर तो हमें क्या करना है फाइंड करना है। अभी देखो आप चाहो तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो या तो नहीं भी कैंसिल, मेरी बात मानो ना, देखो ना 2 10 कितना होता है 100 और ये 0 0 गया, तो यहाँ पर देखो तो सम ड्यू कितना आ गया अपना 20x प्लस कितना आया ये अगर करोगे तो देखो ये आर कितना आया अपना यार अरे यार के माओगे, तो सम ड्यू अपना कितना आया यहाँ पर देखोगे तो 20x प्लस देखो ये कितना आया आर बराबर और अपॉन में कितना है 10, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा बेस आपको क्या करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, बेस सेम करोगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से आपको क्या करना पड़ेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x प्लस एक्स प्लस एक्स आर अपॉन कितना आ गया 10 आ गया। अभी बस आपको करना कुछ नहीं है, बोला ही गया है वहाँ पर,
तो क्या बोल रहे, 21 जो बुक्स रहेगा इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर देखो 20 कॉपीज ऑफ द बुक इज इक्वल टू क्या है, 21 कॉपीज ऑफ द बुक्स, ये किस पे है, कैश है। अगर देखो ना 21 का कॉपी का यहाँ पर आ गया, कितना आया आपको 200x प्लस एक्स आर अपॉन कितना आ गया 10, और 21 कॉपी का कितना रहेगा 21x रहेगा। तो बस आपको क्या करना है, अभी इसको सॉल्व करना है। अभी आपको क्या करना है सॉल्व, देखो यहाँ पर भी क्या है x है और यहाँ पर भी क्या है x है, तो x x को क्या लिख दूँ मैं, कॉमन लिख दूँ। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाए, x को मैं कॉमन लिखूँ तो यहाँ पर क्या आएगा 200 प्लस क्या आ गया r और अपॉन में कितना है 10 और यहाँ पर क्या आ गया 21x। तो देखो आप चाहो तो ये x x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, नहीं समझा, ये x x को मैंने क्या लिख दिया, कॉमन लिख दिया, तो ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 200 प्लस r और यहाँ पर देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 210, अभी ये प्लस में है तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 1 माइनस क्या रहेगा 2, तो r कितना मिलेगा हमें 10%। देखो ना आंसर क्या आएगा 10%, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा देयरफॉर r रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। बराबर, आगे और भी आपको फॉर्मूला है, जैसे अगर बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100 और बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट फॉर एन पता ही रहेगा, इंटरेस्ट फाइंड कर एन चाहिए और आर चाहिए बराबर, और बैंकर डिस्काउंट एक और है ट्रू डिस्काउंट, मतलब इसको देखो मैंने यहाँ पर नीचे ही करके दिया, ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट फाइंड करना रहेगा एन आर अपॉन 100 और बैंकर डिस्काउंट मिलेगा फेस वैल्यू माइनस क्या रहेगा ट्रू डिस्काउंट बराबर। अगर आपको फेस वैल्यू नहीं दिया है तो आप सम ड्यू लिख सकते हो बराबर, और बीजी का मतलब क्या होता है बैंकर्स गेन, तो बैंकर्स गेन कैसे मिलेगा बीडी माइनस मतलब बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट का आपको फॉर्मूला पता ही है, तो आप जैसे करोगे आपको ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, सम करते तो ऑटोमेटिकली आपको और क्लियरली और अच्छे से आपको आइडेंटिफाई होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, फाइंड ट्रू डिस्काउंट बैंकर डिस्काउंट एंड बैंकर्स गेन, हमें तीन चीज़ें यहाँ पर फाइंड करनी है, सबसे पहला क्या फाइंड करना है, ट्रू डिस्काउंट फाइंड करना है, बैंकर डिस्काउंट फाइंड करना है और बैंकर्स गेन फाइंड करना है। ऑफ अ बिल ऑफ रुपीज़ कितने का है, बिल मतलब बिल ऑफ रुपीज़ कितने का है 4240 ड्यू, ड्यू मतलब ये क्या दिया है हमें, सम ड्यू दिया गया बराबर, सम ड्यू लिख दिया बराबर, और एन कितना दिया है 6 मंथ, आर हिजा एट 9% पर एनम, मतलब 9 अपना आर आ गया ए 6 मंथ मतलब हमें किस में चाहिए, ईयर में चाहिए, तो 1/2 के आ गया अपना ईयर्स आ गया बराबर बेटा। अभी देखो यहाँ पर बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, सम ड्यू मल्टीप्लाई बाय एन, इसको फॉर्मूला को बस मैं यहाँ पर लिख दूँ, बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन कितना आ गया 100 आ गया, तो इसी को मैं यहाँ पर लिख दूँ, सम ड्यू कितना आ गया था अपना 4240 मल्टीप्लाई बाय एन कितना दिया था हमें हाफ, मतलब 1/2 नीचे क्या चला जाएगा 2 चला जाएगा 100 और एन कितना दिया था हमें 900। अगर इसको आप आगे भी आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा बैंकर डिस्काउंट अपना आएगा रुपीज़ 190.80, अपना बैंकर डिस्काउंट ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा 190। अभी देखो बैंकर डिस्काउंट है, ट्रू डिस्काउंट हमें फाइंड करना है और बैंकर्स गेन, तो ट्रू डिस्काउंट मिलेगा तो ऑटोमेटिकली बैंकर देखो यहाँ पर डाल के आप लिख सकते हो, तो सबसे पहले ट्रू डिस्काउंट अपने पास है नहीं तो यहाँ पर लिख दूँ लेट ट्रू डिस्काउंट पी रुपीज एक्स बराबर, ट्रू डिस्काउंट को मैंने क्या लिख दिया एक्स लिख दिया, बस आपको इसी फॉर्मूला में मैं डाल दूँ तो देखो यहाँ पर बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, मतलब यही फॉर्मूला नीचे है बराबर, तो ट्रू डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन कितना आ गया 100, ट्रू डिस्काउंट को हमने क्या लिया है एक्स लिया गया और बैंकर डिस्काउंट कितना है 190.80 और ट्रू डिस्काउंट को हमने लिया x, तो यहाँ पर भी क्या आएगा x प्लस n कितना है अपने पास n आया 1/2, तो 1/2 कहाँ चला जाएगा
नीचे चला जाएगा और 100, और आर कितना दिया था हमें, 9 दिया गया था बराबर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स प्लस ये देखो ये कितना आ जाएगा, 9x आ गया और नीचे कितना आ गया 200। अभी इसका क्या करना पड़ेगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेस क्या करना पड़ेगा सेम, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 200 से आप क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको करोगे 190, अगर अभी इतना तो आ गया रहेगा तो ऊपर भी 200, तो यहाँ पर कितना चला जाएगा 200x प्लस कितना आएगा 9x, और ये कितना आ जाएगा नीचे 200। ये इस तरफ लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा x इजिकल टू कितना आ जाएगा 190.80 मल्टीप्लाई 200। पता चला इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे और इसको अगर आप लिखोगे तो भी आंसर कितना आएगा, आप डायरेक्ट, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा था अपन, चलो 209x, तो ये इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा 190.80 अपॉन कितना आ जाएगा 209। तो अपना x का आंसर कितना आएगा, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्व किया है 182.58 बराबर। ये अपना x, और x हमने क्या अज्यूम किया था, तो देयरफॉर x को हमने क्या लिया था बेटा, ट्रू डिस्काउंट, देयरफॉर ट्रू डिस्काउंट इस रुपीस कितना है 182.58। अभी हमें क्या फाइंड करना है, बैंकर्स गेन फाइंड करना है। देखो ये लास्ट वाला फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर, बैंकर्स गेन इजिकल टू बैंकर डिस्काउंट बराबर माइनस क्या रहना चाहिए ट्रू डिस्काउंट। और देखो बैंकर डिस्काउंट हमने यहाँ पर फाइंड किया कितना आया था 190.80 माइनस कितना करना है 182.58। तो अगर आप करोगे तो 8 मेरे हिसाब से कितना आएगा 22, तो आपका बैंकर्स गेन कितना आया, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको बैंकर्स गेन इज रुपीस 8.22। बस हो गया, एकदम सिंपल ही है, बस आपको इसको एक से दो बार और प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, ट्रू डिस्काउंट ऑन अ बिल इज रुपीस कितना दिया है, रुपीस 2200, मतलब ट्रू डिस्काउंट हमें कितना दिया है 2200 बराबर, एंड बैंकर डिस्काउंट कितना दिया है 2310, एंड द बिल इज ड्यू फॉर कितना दिया है 10 मंथ के लिए इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड क्या करना है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना है फाइंड करना है, एंड मतलब हमें 10 मंथ दिया ही गया है। देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, आर। देखो अगर देखा जाए, ध्यान से देखो, अगर तुम बोलोगे सर ट्रू डिस्काउंट दिया है और क्या दिया है बैंकर, तो बैंकर्स गेन, अरे पर हमें बैंकर्स गेन नहीं फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है आर फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप ये वाला फॉर्मूला देखो, बैंकर डिस्काउंट यहाँ पर लगा सकते हो, तो देखो आप सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाओगे, बैंकर डिस्काउंट इजिकल टू ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, मतलब एन आर अपॉन कितना रहेगा 100 बराबर, और n कितना दिया है 10 मंथ, तो 10 मंथ इजिकल टू कितना रहेगा 10/12 बराबर। इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 6, तो कितना आएगा 5/6 ईयर्स आ जाएगा। तो इसको बस आपको सॉल्व करना है, तो बैंकर्स गेन डिस्काउंट कितना है आपको 2310, और यहाँ पर ट्रू डिस्काउंट कितना आया था 2200 बराबर, और ये प्लस इंटरेस्ट कितना रहेगा 2200 प्लस n मल्टीप्लाई n कितना दिया n 5 अपॉन कितना चला जाएगा नीचे 6 अपॉन कितना रहेगा 100, और r तो हमें क्या करना है फाइंड करना है। अगर देखा जाए तो ये ज़ीरो क्या हो गया, कैंसिल चला गया, तो बस यहाँ पर ये देखो ये प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2310 माइनस 2200, और देखो यहाँ पर 5 0 5 2 10 एक ऊपर चला गया, 5 2 10 कितना आया 110 11 आ गया, और नीचे कितना रहेगा 6, और ये इसके बाजू में क्या चला गया R। तो अभी देखो इसको माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 110 इजिकल टू 110 R अपॉन कितना आ जाएगा 6। अभी 6 को इस तरफ लेके चलो तो देयरफॉर 110 मल्टीप्लाई बाय 6 इजिकल टू 110 R, तो ये इस तरफ चला गया तो R इजिकल टू कितना आएगा 110 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 110, तो ये 110, तो देयरफॉर R कितना है यहाँ पर 6%, तो देयरफॉर यहाँ पर लिखना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कितना रहेगा 6% पर एनम,
हो गया, हमने 7 तक सम किए, बाकी के जो रिमेनिंग 8 सम है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बेसिकली होता क्या है कि मैं सारा बना रहा हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है, जितना वीडियो ज़्यादा बड़ा रहेगा उसमें एडिटिंग में भी उतना ही ज़्यादा टाइम जा रहा है, तो इसके लिए हम शॉर्ट मतलब जो भी एक्सरसाइज रहेगा उसको हम 2 पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं तो चाहता हूँ कि हर किसी को ये वीडियो मिले, आपके जितने भी फ्रेंड्स रहेंगे उसमें आप शेयर करो, और डेफिनेटली ये लॉकडाउन का फ़ायदा हम सब उठाएं। थैंक यू।